आज दरभंगा के हथौरी गांव से हम विशेष कवरेज लेकर आ रहे हैं। मधुश्रावणी पूजा की अगर बात करें तो आज फुल्लोरी का दसवां दिन है और आज के दिन खासकर जो नवविवाहिता हैं क्या कर रही हैं और कैसा पूजा हुआ है आज के दिन और कैसे फुल्लोरी कर रही हैं, इन सभी बातों पर हम आज आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात बता दें, प्राचीन महादेव मंदिर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर शिवलिंग का यहाँ पर निर्माण किया गया है, खासकर मंदिर का निर्माण किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। ये देख सकते हैं, ये फुल्लोरी के बाद जो डोली जो नवविवाहिता रखती हैं महादेव के सामने, शिवलिंग के सामने, ये वही दृश्य है जो आप देख पा रहे हैं। बता दें, विशेष कवरेज में आपको आगे हम आपको इंटरव्यू सुनाएंगे, जो गीत है मिथिला का वो भी सुनाएंगे और लगातार ये कवरेज जो है इस महीने सावन के महीने में और जो मधुश्रावणी का जो विशेष कवरेज आप मिथिला से देख रहे हैं ये लगातार चलता रहेगा। ये जो नवविवाहिता हैं पहले यहाँ पर फुल्लोरी करती हैं, पहले अच्छे तरीके से सजाती हैं, यही जो डाली है वो फिर महादेव के सामने रखकर फिर पूजा करती हैं, उसके बाद इसी डाली को लेकर घर जाती हैं, फिर इसी का सुबह सुबह बसिया जो फूल होता है उससे पूजा करती हैं। तो ये विधि विधान जो है लगातार चल रहा है और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जो है ये जो पूजा है मिथिला में लगातार रहता है। वैसे हम अगर बात करें यहाँ पर आज अस्मिता, प्रियरंजना, मनीषा, कुमकुम, राखी चौधरी यहाँ पूजा और फुल्लोरी कर रही हैं। आइए पूरा कवरेज देखते हैं, इंटरव्यू सुनाते हैं। मधुश्रावणी का दसवां दिन है, क्या लग रहा है आपको, कितना महान ये पूजा है और आप लोग कितने एक्साइटेड थी, कब से ये पूजा की तैयारी में आप लोग लगे हुए थे? गाँव के बहुत बढ़िया मिथिलांचल के बहुत नीक पर्व छै, वह लोग करे छथिन जिनकर शादी होइ छै तो इक तैयारी नहा खायल जाइ छै, अनुना खाना खाइ छथिन सब गोटे और की कहै छै बहुत फूल लोढ़ जाइ छथिन गाछी सब, तो चाही जूही अनला सब रंग के पत्ता रहै छै, बाँस के, अरहुल के, कनैल के, बहुत रंग के ये सब और फूली सब रहै छै, बहुत लोग रहे छथिन सब आदमी मिल के एला गाना गीत सब गेला मैथिल ये सब। आपको कोई गीत आता है कि नहीं? हाँ, मतलब सीख गए हैं यहाँ पर? हाँ, कुछ। अच्छा, ये बताएं कि आपके गांव का रिवाज क्या है, खासकर शादी जो होता है लास्ट दिन, अंतिम दिन जो टेमी के दिन जो शादी होता है, या फिर जो नहा मतलब जो शाम में नमक खा करके खाना होता है, या क्या है रिवाज क्या है यहाँ पर? हमरा सब गांव में सासुर से जे चीज आवै छै वह खाइ छियै, नमक नहीं खाइ छियै 15 दिन तक, जा होइ छै लास्ट दिन टेमी पड़ै छै ओहि दिन, मतलब सिंदूरदानी सब भेल, चुमौनी सब। और कपड़ा का क्या है? सासुर से जे कपड़ा आवै छै वह पहिर के मतलब पूजा घड़ी बैसै छियै और घूमे घड़ी में सब रंग के कपड़ा पहिरै छियै। तो ये मतलब एक ही कपड़ा 15 दिन तक पहन के पूजा करना है? हाँ, पूजा घड़ी जब अच्छा। घर में करे छे और घूमे घड़ी में सब रंग के कपड़ा। अच्छा, ये बताएं मेन पूजा किसका है, मतलब कौन से देवी देवता का है, कौन से भगवान का है? विषहर के मेन छे। अच्छा, उसमें क्या क्या करते हैं, सुबह में क्या क्या करते हैं? सुबह में पहले गौरी के पूजन होइ छे, ओके बाद विषहर के लावा दूधी सब देल जाइ छे, पिठार देल जाइ छे, मेहंदी कुसुम के फूल, फिर चनाई के होइ छे उनका उजला फूल से पूजा कैल जाए छे, चना के उजला और दूधी सब लीली के उनकर से। 15 दिन तक सेम पूजा करना है और 15 दिन तक इतना कठिन परिश्रम के साथ आप लोग जो करती हैं, खासकर फूल लोड़ना हो या फूल की तैयारी करना हो, या फूल नहीं मिलता होगा तो फूल की चोरी भी करना पड़ता होगा। हाँ, कैसा लग रहा है खासकर इस पूजा में, आप कैसा मतलब फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लगे थे, सब आदमी मिल के गेलो, कहीं भी जहाँ गेलो सब आदमी मिल के गेलो। सहेली, खासकर सहेली का कितना मदद मिलता है, या बहन छोटी बहन है उनका कितना मदद मिलता? बहुत मदद, छोटी बहन का बहुत मदद। अच्छा, मिथिलांचल की पर्व बहुत महान है, तो हम चाहे छी हमरा के बाद जते हमर छोट बहन हो सब कोई मिलकर ये पूजा करे, बहुत नीक लगता है उनको सबके। इस पूजा के बारे में आपको शादी से पहले कितना पता था? एक पूजा के बारे में हमरा शादी से पहले बहुत किछु पता छल, जाहिमे केना की होइ छनि, नहाय खेनाय या विषहर बनै छथिन, हुनका रङ्गै जाइ छनि। आओर किसके लिए किया जाता है पूजा? अपने हस्बैंड के लिए। तो वो आए हुए हैं? हाँ, इसमें आना भी तो अनिवार्य है ना। हाँ, अंतिम दिन उनका मतलब ज्यादा महत्व है। हाँ, अंतिम दिन हुनकर कुछ ज्यादा महत्व रहै छनि। अच्छा, तो ये जो मतलब कठिन परिश्रम वाला जो पूजा है उनके लिए है। हाँ। पत्नी के लिए पति क्या करते हैं, कौन सा पूजा करते हैं?
नाम आपका? इंटरव्यू अपना भैया से ला ला। नाम आपका? हमर नाम भेल प्रियंजना कुमारी। गांव? गांव हथौड़ी कोठी। ये मंदिर कौन सा है? महादेव मंदिर। जो 28 से पहले एक दिन 27 तारीख को हम लोग नहाए खाए करते हैं रात में गोड़ी भी बनते हैं उसके बाद 28 तारीख को ससुराल से आता है सब कुछ कपड़ा वगैरह सब वही सब पहनते हैं वही एक ही कपड़ा पहन के सुबह के टाइम जो पूजा होता है वही एक ही कपड़ा पहन के 15 दिन तक पूजा करते हैं और शाम के टाइम में अलग अलग कपड़े पहनते हैं ससुराल से जो आता है वही सब खाना खाते हैं। फूल लोड़ने के लिए जाते हैं अलग अलग तरह के फूल सब लाते हैं फिर शाम को आते हैं मंदिर पे तो फिर उसी को सजाते आते फिर जाते हैं। अच्छा खाना में क्या मतलब है इसमें अगर सुबह की बात करें तो क्या खाते हैं सुबह में? मतलब सुबह में नमक नहीं खाते हैं खीर वगैरह। अच्छा नमक नहीं खाना है 15 दिन नमक नहीं खाना है? नहीं खाना। तो जो ससुराल से चावल आएगा वही खाना है? हाँ वही खाना। अच्छा मायके का कुछ भी नहीं? अच्छा ये बताइए कि खासकर सब अगर खाना की बात करें तो शाम और सुबह मतलब कानून ही है नमक नहीं नमक है, नहीं है। अच्छा सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पीते हैं। पानी भी नहीं पीना है मतलब एक तरह से व्रती जैसा। हाँ, हाँ। ये हो गया। और पूजा जब तक होता है तब तक भी पानी नहीं पीते हैं पूजा के बाद पानी वगैरह। और आपको इस पूजा के बारे में और कितना मतलब पता था और आज के जब आप कर रही हैं तो कितना कैसा लग रहा है ये? मैं हमसे जो बड़ी बहन थी वो पूजा वगैरह करती थी तो हम लोग तो देखते ही थे सब कुछ तो पता ही था सब कुछ करते थे। ये खासकर शादी के बाद बड़ा एक पूजा है। हाँ, शादी के बाद जिसका नया नया शादी होता है वही सब करते हैं। अंतिम दिन का क्या महत्व है? अंतिम दिन है जो मतलब जैसे फिर दोबारा शादी होता है इसमें एक पूजा ये पूजा का एक खास बात है दोबारा शादी होता है जिसके हस्बैंड यहाँ पे नहीं हो रहते हैं देवर आते हैं वो करते हैं अपना जो है। तो देवर मतलब शादी जो होता है खासकर जो मांग में सिंदूर मतलब उस दिन भी ये किया जाता है ना तो मतलब देवर का और जो हस्बैंड है उनका कुछ तो रोल अलग होगा ना? माँ दे देती है ना। अच्छा आपकी जो मम्मी होगी वो? हाँ, रहेंगे वो देंगे। अच्छा हस्बैंड नहीं रहेंगे तो माँ सिंदूर दे देती बस। अच्छा ये टेमी का जो बात है वो टेमी का क्या महत्व है उसे क्या मतलब ये किया गया है? दीप को जलाते हैं और फिर अर्धा के बाद पान का पत्ता सब रहता है उसी से घुटने पर मतलब दिया जाता है और हस्बैंड या देवर जो भी रहते हैं वो पान का पत्ता से आँख बंद करते हैं और फिर वो दीप जो जलता ही रहता है उसमें से ले करके बाकी घुटने पर पांच जगह मतलब दिया जाता है। अच्छा इसमें क्या मतलब उसमें क्या महत्व है अगर फोका या ऐसा क्या? हाँ फोका होता है तो वो मतलब ज़्यादा खास अच्छा होता है अशुभ अशुभ फोका होना शुभ माना जाता है। आप इस समाज की बेटी हैं खासकर मिथिला की बेटी हैं आप कितना अच्छा लग रहा है आपको इस पूजा करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा देख रहा है देश विदेश भी लोग इस पूजा को देख रहे हैं खासकर मिथिला को देख रहे हैं इसी से मिथिला की पहचान हो रही है ये सब पूजा जो है तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये पूजा बहुत ही अच्छा लगता है करने में ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं 15 दिन तक रहता है नमक नमक नहीं खाते हैं ये पूजा सुहाग के लिए है ऐसा पूजा कहीं नहीं होता हो तो नाम आपका? राखी कुमारी। गाँव? Oh, yeah, buddy. Yeah.